हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 10 और यहाँ पे चल रही है तैयारी। हमारी चाय हो गई है और अब हम बस बैग पैक कर रहे हैं। ये हमारे कपड़ों का कवर पिटारा। पुराने नोट ये एक एक का और दो का और ये दो का और ये मम्मी के शादी की पेटी। तो हमारे 9 दिन यहाँ पे कैसे कंप्लीट हुए हमें पता ही नहीं चला, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। हम जितने भी दिन यहाँ पे थे, हम एक भी दिन पूरे दिन घर पे नहीं थे। कल थे तो कल हमने वो खेत वाला ब्लॉग शूट किया, बट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और अब हम यहाँ पे दोबारा आएंगे, मतलब फैब में कुछ 1 मंथ और 8-10 दिन के बाद। तो तभी हमारे कज़न की शादी है, तो अब हम सीधा शादी में आएंगे, तब इस घर की रौनक और भी डबल हो जाएगी, क्योंकि पूरा घर भरा हुआ रहेगा और सारे रिलेटिव्स आएंगे, सब आएंगे। और इस घर में मतलब हमारी वो सारी यादें, जब हम सारे मिलते हैं तो हमारे बचपन की यादें, और हम यहाँ पर मतलब जब आते थे तो हम कैसे रहते थे दादा दादी के साथ। इस घर से हमारे दादा दादी की यादें जुड़ी हुई है बहुत सारी। तो यहाँ हम जब भी आते हैं तो पहले हमें उनकी याद आती है, हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि उनके बिना तो हमें ये घर बहुत ही सुना सुना लगता है। बस हम जब सब मिल जाते हैं तब थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही है। तो फिलहाल अभी यही तैयारियां चल रही है। चलो तो अभी हम सब रेडी हो गए, हम दोनों आके बैठे और बाकी कोई नहीं आ रहा। हमें निकलना था 1 बजे और अब बज गए 1:45 और पता नहीं कितने बजेंगे। ये यश तो आ गया, मासी भी आ गई, ये आई मम्मी, पापा। फाइनली हम निकल गए ऑन टाइम। तो अभी हम पहुँच रहे हैं सिरोही और हमें यहाँ से आगे जाना है। वहाँ जाने के लिए 1 घंटा और लगेगा, तो वही पापा रिक्शा लेने गए हैं, देखते हैं रिक्शा मिलती है कि नहीं। ये क्या हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये लोग ऑटो बुक करने गए थे, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो जीप ही भगा दी जिसको बुक करते गए थे, वो जीप ही भगा दी। अरे ये तो जीप में बैठ के आ रहे हैं, ये कहाँ है, ये क्या, ये कहाँ जा रहे हैं? फाइनली जीप मिल गई। तो अभी हम पहुँचे हैं
कौन टाइम 3 बजे हैं और 4 बजे की हमारी ट्रेन है। फर्स्ट गेयर प्लेटफॉर्म पे और हमारी ट्रेन बस आने वाली है। 7 मिनट ट्रेन लेट बता रही है। ये हमारी ट्रेन का नंबर उल्टा दिख रहा है।